कलयुग आता है तो क्या क्या आता है? लोभ आता है, झूठ आता है, चोरी आती है, दुष्टता आती है, सुधर्म त्याग आता है, दरिद्रता आती है, कपट आता, कलह और दंभ, ये 9 चीजें अपने आप आ जाती हैं जहां कलयुग होता है। कलयुग होगा, लोभ आ जाएगा। लोभ किसको कहते हैं? शास्त्रों में जिस लोभ की मनाही की गई है वो लोभ एक विचित्र प्रकार का लोभ है। लोभ का मतलब है आपको देने का बिल्कुल मन नहीं करे, समझ लेना आप कलयुग के चंगुल में आ चुके हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? आना चाहिए। लोभ ये नहीं है कि आप व्यापार करते हो, ये लोभ नहीं है। आप नौकरी करते हो, ये लोभ नहीं है। आप पैसा बचाते हो, ये लोभ नहीं है। लोभ उस चीज का नाम है कि कोई योग्य पात्र आने के बाद भी यदि आपको सहायता करने का मन नहीं करता है, देने का मन नहीं करता, तो समझ लेना आप किसके चंगुल में हो। आप कलयुग के चंगुल, जहां कलयुग होता है वहां पर 9 चीज आती हैं, और 9 में सबसे पहले यहां पर राजा परीक्षित ने भागवत में कहा लोभ, दूसरा है झूठ। लोभ आएगा तो झूठ आएगा ही आएगा, और फिर वहां पर चोरी भी होगी, दुष्टता भी आएगी, स्वधर्म त्याग भी होगा। आज हम लोग धीरे धीरे अपने धर्म का त्याग करते चले जा रहे हैं, स्वधर्म का त्याग होता चला जा रहा है। स्वधर्म का त्याग होगा फिर दरिद्रता भी आ जाएगी, कपट भी आ जाएगा, कलह भी आ जाएगा, दंभ भी आ जाएगा, सब कुछ आता चला जाएगा। इसलिए तुम चले जाओ। कलयुग ने कहा भगवान मैं कहाँ जाऊँ, कहीं तो आप मुझे रहने के लिए जगह दो। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि मेरे राज्य में कहाँ कहाँ लोग नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर 4 जगह उस कलयुग का वास दिया है। जुआ में तुम रहना, मद्यपान में तुम रहना, बुरी स्त्रियों के संग में तुम रहना, और जहां पर हिंसा होती हो वहां पर तुम रहना। ये 4 स्थान दिए। सुखदेव जी कहते हैं अथेताने न सेवेत वसु पुरुषित पुरुषक क्वचित, जो अपना कल्याण चाहता हो उनको इन 4 जगह नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? जहां पर जुआ खेला जाता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर मद्यपान होता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर बुरी स्त्रियों का संग होता हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और जहाँ पर हिंसा होती हो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। कलयुग ने कहा भगवान मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरा इतने से काम नहीं चलेगा, 4 जगह से मेरा काम नहीं चलेगा, आप मुझे और भी जगह देने की कृपा करें। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने स्वर्ण में जगह दी है कि जाकर के तुम सोने में रहना। अब सोना तो आप हम सब लोग पहनते हैं, यद्यपि मैं तो नहीं पहनता, तो आप लोग तो पहनते हैं। भगवान के मुकुट में भी, मंदिर में भी सोना रहता है, भक्त लोग भी सोने का उपयोग करते हैं, सोना लगभग सभी घरों में रहता है। तो क्या सोने में कलयुग का वास है? तुम्हारे संतों ने उसका समाधान किया है। किस सोने में कलयुग का वास है? जो अधर्म से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास है। स्वर्ण का मतलब धन से है, स्वर्ण का मतलब स्वर्ण भी होता है, और स्वर्ण का मतलब होता है अधर्म से कमाया हुआ पैसा, अनीति से कमाया हुआ, चोरी से कमाया हुआ, छल से कमाया हुआ, बिना मेहनत का कमाया हुआ जो धन है उसमें कलयुग का वास रहता है। और यदि अधर्म से कमाया हुआ धन आपके घर में आता है तो क्या करता है वो? मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में लिखा था अधर्मेण वर्धते तावत ततो भ्रमाणि पश्यति तथा स्वपत्न्या जयति समूलस्तु विनश्यति। अधर्म से और अन्याय से कमाया हुआ धन धीरे धीरे बढ़ता हुआ समय महसूस होता है कि हमारा धन बढ़ रहा है, और उस बढ़ते हुए धन से आपकी जो जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं आपकी पूरी होती चली जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपके बहुत से शत्रु वहां पर पैदा हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपके परिवार में कुमति आती चली जाती है, और एक बार ये आता है कि सब कुछ विनष्ट हो जाता है। बाबा तुलसी ने लिखा है कि अधर्म से कमाया हुआ धन बहुत लंबा नहीं चलता है, कुछ ही दिन चलता है, बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। धर्म से कमाया हुआ भले थोड़ा हो वो बहुत लंबा चलता है, लेकिन अधर्म से यदि आपके घर में वो धन आया है तो वो धन निश्चित ही आपको दुखी करेगा ही करेगा, और आपको नहीं करेगा तो आपकी अगली पीढ़ी को करेगा, सब कुछ विनष्ट होने वाला है। इसलिए आपके घर में कैसा धन आना चाहिए? सात्विकता का धन आना चाहिए। और यदि आपको ये लगे कि पता नहीं घर में हमारे सात्विकता का आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो परमात्मा को समर्पित करते हुए फिर उपयोग करो।
हम भोजन को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है ना। वही पेड़ा दुकानदार की दुकान पर रखा है, जब तक वो भगवान को समर्पित नहीं होता तब तक वो मिठाई है, और जो ही भगवान को समर्पित उसके बाद क्या हो जाती है? वो प्रसाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम जो कुछ भी हैं परमात्मा को समर्पित करते चले जाएं, और जब हम परमात्मा को समर्पित करेंगे तो सबकी शुद्धता होती है, क्योंकि भक्ति जब भोजन में जाती है तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, वही भक्ति जब पानी में चली जाती है वही चरणामृत हो जाता है, वही भक्ति जब घर में आती है तो घर भी मंदिर हो जाता है, वही भक्ति जब भक्त के अंदर जाती है तो व्यक्ति भक्त हो जाता है, और जब वही भक्ति यात्रा में चली जाती है तो यात्रा क्या हो जाती है? तीर्थ यात्रा हो जाती है। भक्ति परमात्मा को हम समर्पित करते चले जाएं, और जब परमात्मा को समर्पित करेंगे तो ये कलयुग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा।